इवनिंग, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारा चैप्टर 9 खत्म हो गया ऑडिटिंग का। हम लोग चैप्टर 10 पे मूव कर चुके हैं। हमारा चैप्टर 10 है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो पहले हम समझने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। नाउ पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन मीन्स प्रूविंग द ट्रूथ और कन्फर्मेशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इज कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ अ कंसर्न इज टू वेरीफाई द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। ऑडिटर्स की सबसे बड़ी ड्यूटी और सबसे जरूरी ड्यूटी होती है कि बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं उसको अच्छे से वेरीफाई करना, और वेरीफाई करके हमारे जो भी सीनियर हैं या हमारी जो भी गवर्नमेंट है उनको एक कंफर्मेशन देना और उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ट्रुथ बताना कि हाँ ये सही है या गलत है, उनको इस बात की कन्फर्मेशन देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। ये हमारे ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि जितने भी एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं सबकी एग्जिस्टेंस चेक करना कि वो सब करेंट टाइम में वो सब बिजनेस में अवेलेबल है या नहीं है। एंड ही विल बी लाइबल फॉर एनी डैमेज सफर्ड बाई द क्लाइंट इफ़ ही फेल्स इन हिज ड्यूटी। अगर वो अपनी ड्यूटी में फेल होता है तो ये फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो डैमेज पे करेगा। ठीक है, कंपेयरिंग द लेजर अकाउंट विद द बैलेंस शीट, उसकी फर्स्ट ड्यूटी क्या होती है, सारे लेजर अकाउंट को बैलेंस शीट से मैच करना। वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, जिस डेट को बैलेंस शीट बन रहा है उस डेट को देखना कि सारे एसेट्स फिजिकली एग्जिस्ट हैं या नहीं है, फिजिकली बिजनेस में अवेलेबल हैं या नहीं है। सेटिस्फाई दैट दे आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और मॉर्गेज, इस बात की भी सेटिस्फैक्शन उसको हो जानी चाहिए कि हाँ ये जो एसेट्स प्रेजेंट है इन पर कोई भी तरीके का लोन नहीं है, कोई भी तरीके के एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। वेरीफाइंग देयर प्रॉपर वैल्यूज, उनकी वैल्यूज अच्छे से वेरीफाई कर लेना कि हाँ ये बुक वैल्यू पे दिखाई गई है, कॉस्ट वैल्यू पे दिखाई गई है, मार्केट वैल्यू पे दिखाई गई, किस वैल्यू पे ये दिखाया गया। एसेट्स वर एक्वायर्ड फॉर बिजनेस, एसेट्स जो खरीदा गया है वो बिजनेस पर्पस के लिए ही खरीदा गया है ना, पर्सनल पर्पस के लिए तो नहीं खरीदा गया। हमारे जो स्पाइसर एंड पेगलर है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, उसको समझ लेते हैं। द वेरीफिकेशन ऑफ एसेट्स इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इन टू द वैल्यू। वेरीफिकेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यूएशन होती है उन सबको इंक्वायरी करना उसकी और उसको अच्छे से वेरीफाई करना। ओनरशिप एंड टाइटल, उसकी जो ओनरशिप है किसके नाम पे है, कौन उसको चला रहा है, रन करा रहा है, ये सब चेक करना। एग्जिस्टेंस एंड पोजेशन, कौन उसका हकदार है रियल में, एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन द एसेट्स, और उस पर कोई भी मॉर्गेज या एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं है। ठीक है, फिर है इन्हीं सब डेफिनेशंस को मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाया है, वो पॉइंट्स क्या है देख लेते हैं। ये पॉइंट्स से आपको ये हेल्प होगी कि आपको याद करने में ईजी होगा। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ देयर अबव डेफिनेशन, सॉरी फर्स्ट है हमारा देयर इज नो चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होना चाहिए। They have been valued by taking into consideration their physical situation. जो भी assets को हम value कर रहे हैं उनकी physical situation देख के करेंगे। For example, ये pencil मैंने अपने business के लिए खरीदा था, ये pencil मैंने जिस time नई खरीदी होगी वो तो ये बड़ी होगी, तब तो ये न्यू होगी, लेकिन आज अगर मैं इसका वैल्यूएशन कर रही हूँ, आज मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ, तो मैं इसकी फिजिकल सिचुएशन देखूँगी, हाँ ये छोटी हो गई, अब इसका प्राइस कम हो गया, तो मैं उस हिसाब को इससे इसको वैल्यू करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एसेट्स वर नॉट परचेज फॉर पर्सनल पर्पस, जैसे कि आपको पता ही एसेट्स बिजनेस पर्पस के लिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए ही खरीदा होना चाहिए, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदा होना चाहिए, और खरीदे हो तो उसको बैलेंस शीट में मत दिखाओ। ठीक है, ओनरशिप ऑफ द एसेट्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये पेंसिल मैंने खरीदी है तो ये मेरे ही नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए, नहीं कि पड़ोसी के नाम पर रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, They have been shown in balance sheet as their real value. मैंने 2 रुपए की खरीदी थी तो 2 ही रुपए दिखाऊंगी, 4 रुपए 5 रुपए नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, Whether all assets have been included in balance sheet, मैंने ऐसी ऐसी 4 पेंसिल खरीदी थी तो 4ों पेंसिल मैंने बैलेंस शीट में दिखाई है या नहीं दिखाई है। Whether all liabilities have been included, मेरी 5 liabilities हैं, अगर मैंने मुझे 5 लोगों को पैसे देने हैं तो मेरी 5ों liabilities इसमें दिखाई है कि नहीं, या ज़्यादा दिखा दी है, कम तो नहीं दिखा दी है। All assets have been shown in balance sheet on the basis of certain principle. अगर इस pencil का कोई मैंने principle set किया था कि हाँ इसको मैं इसी पे value करूँगी, तो उस principle पे value हुआ है कि नहीं।
ऑल एसेट्स वर फिजिकली प्रेजेंट एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट. जब मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ तो जितने भी एसेट्स हैं वो फिजिकली बिजनेस में प्रेजेंट है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है. होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी. अगर इन सब पॉइंट्स में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं. और प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच.